Assalamu alaikum and welcome to Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. Today, we will be discussing about Islamophobia. Islamophobia has been a very, very sensitive topic. खासकर हम देखते हैं कि जो कुछ developments हुई हैं Europe के अंदर और ख़ासकर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रन उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आईं और कुछ और वाक़यात ऐसे हुए जिससे ये डिबेट इस्लामोफोबिया की बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, ख़ासकर मुस्लिम मुल्कों के अंदर जिनमें पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जहाँ पे ऑफिशियली भी और पब्लिक लेवल पे भी इसके ऊपर एक रिस्पॉन्स हमें नज़र आता। इस्लामोफोबिया का ये जो रिसेंट एपिसोड है जो कि शुरू हुआ जब एक नोटोरियस न्यूज़पेपर चार्ली हेब्डो ने दोबारा अनाउंस किया कि वो कैरिकेचर्स जो हैं वो पब्लिश करेंगे, दोबारा रीपब्लिश करेंगे, उसके रिस्पांस में एक वायलेंट एक्ट्स हुए और एक टीचर जिसने वो कैरिकेचर्स अपनी क्लास में दिखाए उसको भी हेडिंग की गई और उस अखबार के करीब भी कुछ हमले हुए, तो जिसके रिस्पॉन्स में फ्रेंच प्रेसिडेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से एक टफ स्टांस लिया गया और उसमें उन्होंने उसका इल्ज़ाम उन कुछ रेडिकल एलिमेंट्स के बजाय इस्लाम को दिया उस हवाले से, जिसके रिएक्शन में मुस्लिम स्टेट्स ने बायकॉट भी किया फ्रांस की बहुत सारी प्रोडक्ट्स का, फ्रेंच गवर्नमेंट को कंडेम किया जिसमें टर्की शामिल है, मलाशिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। बट ये कोई पहला वाक्या नहीं है जिसके बाद कोई इस्लामोफोबिया की डिबेट शुरू हुई हो, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ात हुए। फ्रांस के अंदर ही हिजाब पे पाबंदी लगाई गई, बुरका पे पाबंदी लगाई गई और फिर फ्रांस के अंदर भी एक डिबेट हुई थी बुरकिनी के वाक़ात के हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए। उससे पहले हम देखते हैं क्राइस्ट चर्च का वाक़ा हुआ न्यूज़ीलैंड के अंदर 2019 के अंदर, इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड के अंदर 2009 के अंदर मीनारेट्स पे पाबंदी लगाई गई, जो मसाजिद के मीनार होते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी वाक़ियात हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जो इस्लामोफोबिया है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और करंट अफेयर्स के अंदर भी, और इस इशू पे बात करना बहुत ज़रूरी है। टर्म इस्लामोफोबिया जो है ये बेसिकली कॉइन हुई थी, इसका ऑफिशियल तो कोई डेटा एज सच नहीं है बट एक इन डायरेक्ट वे में दिस टर्म वॉज कॉइंड इन फ्रांस इन 1908। उसके बाद डिफरेंट मौक़ों पे एक टर्म तो इस्लामोफोबिया नहीं थी बट इस्लामोफोबिया का जो आइडिया था दैट वॉज पार्ट ऑफ द लिटरेचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इस्लामोफोबिया बढ़ता गया डिस्कोर्स में, एकेडमिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में, ऑफिशियल डिस्कोर्स में इन द 1990s, जब से हंटिंगटन की थ्योरी आई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। उसके बाद अलकायदा ने पूरी दुनिया के अंदर एक वॉर डिक्लेयर की अमेरिकन्स के ऊपर और वाक़ियात हुए दहशतगर्दी के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, और फिर ख़ासकर जो कैटलिस्ट शिफ्ट आया, जो कैटलिस्ट चेंज आई इस्लामोफोबिया के हवाले से, और इस्लामोफोबिया सिग्निफिकेंटली बढ़ा वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, वो 9/11 के बाद हुआ। 9/11 के वाक़ियात और उसके बाद होने वाले यूरोप के अंदर कुछ, यूरोप और अमेरिका के अंदर कुछ हमलों ने इस्लामोफोबिया और इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स को हवा दी और वो फैलना शुरू हुआ पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट, और आज हम देखते हैं दैट दिस हैज़ बिकम अ क्रॉनिक प्रॉब्लम इन द वेस्टर्न स्टेट एंड सोशल डिस्कोर्स। अब हम देखते हैं कि इस्लामोफोबिया वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर जनरली पर्टिकुलरली और जनरली पूरी दुनिया के अंदर इसके बढ़ने की वजह क्या है, वाई द वेस्टर्न स्टेट्स एंड सोसाइटीज़ हैव इंक्रीजिंगली बीन इस्लामोफोबिक। तो हमें इसका जवाब किसी हद तक मिलता है जब हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद 1993 के अंदर सैमुअल पी हंटिंगटन जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसको हम जानते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस या तहजीबों के दरमियान तसादम का नज़रिया।
अब हंटिंगटन वॉज नॉट द फर्स्ट वन जिन्होंने ये आइडिया दिया हो, उससे पहले बर्नार्ड लिविस एक और अमेरिकन राइटर हैं जो इसके हवाले से बात कर चुके हुए हैं, बट उसकी प्रॉपर थ्योरी जो है वो हंटिंगटन ने दी 1993 में। उस थ्योरी का लुबे लबाब ये है, द क्रक्स ऑफ द थ्योरी इज कि जो इस्लाम है वो इनहेरेंटली एंटी वेस्ट है। इस्लामिक सिविलाइजेशन इज़ अ थ्रेट टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इट कंसिस्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, नॉर्म्स, वैल्यूज एक्सेट्रा। जबकि चूंकि इस्लाम एंटी वेस्ट है तो उन्होंने कहा तो नहीं, बट ही मेंट दैट इस्लाम इज अनसिविलाइज्ड, ही मेंट दैट इस्लामिक वर्ल्ड इज नॉट डेमोक्रेटिक एंड इट डज नॉट केयर अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज। चूंकि ये थ्योरीज आम पब्लिक के लिए नहीं होती, इंटेलेक्चुअल्स के लिए होती हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी है हंटिंगटन की, उसने एक इंटेलेक्चुअल इस्लामिक फोबिक की फाउंडेशन रखी और उसका ग्रेजुअली स्पिल ओवर इफेक्ट हमें मीडिया में आया नज़र, और फिर मीडिया से होता हुआ ये आम तौर पर पब्लिक के अंदर ग्रेजुअली फैलता गया। सो हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल और एक एकेडमिक पाइनियर है इस्लामोफोबिया का वेस्ट के अंदर, वो हम बिला मुबालगा हंटिंगटन को और उससे पहले जो बर्नार्ड लिविस हैं उनको हम कह सकते हैं। तो एक तो बुनियादी तौर पर ये वजह है, और बहुत सारे लोग हैं वेस्ट के अंदर, मीडिया में भी और स्कॉलर्स भी, जो उनकी थ्योरी को लेकर आगे चल रहे होते। उसके अलावा एक दूसरी बड़ी वजह जो इस्लामोफोबिया की है वो वॉर ऑन टेररिज्म जो कि 9/11 के बाद अमेरिकन्स ने शुरू की। शुरू में ऑब्वियसली अमेरिका के ऊपर अलकायदा जो कि बुनियादी तौर पर एक मुस्लिम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अमेरिका पे जहाद का फतवा दिया 1990s में और फिर मुख्तलिफ जगहों पे हमले भी किए। लेकिन 9/11 के वाकयात जो सबसे मेजर टेररिस्ट अटैक्स थे अमेरिका के ऊपर, उससे दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक रेडिकल शिफ्ट आया। अमेरिकन्स जो सोल सुपर पावर थे और हैं भी, उन्होंने जब ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू की तो वो थी इस्लामिक रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। लेकिन उसके नतीजे में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इराक पे हमला किया 2003 के अंदर। लेकिन उन हमलों के नतीजे में और उन हमलों की जब कवरेज की गई, उन वाकयात की जब कवरेज की गई, तो मीडिया ने एक ऐसा तासर दिया अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर कि शायद ये जो लोग जो दहशतगर्द हैं, जो इस्लाम का नाम लेते हैं, शायद दे आर द फेस ऑफ इस्लाम, और वेस्टर्न सोसाइटीज़ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट मीडिया एंड द स्टेट नैरेटिव दैट मुस्लिम्स एंड इस्लाम आर समहाउ व्हाट वाज सेड बाय हंटिंगटन, के दे डू नॉट हैव द केयर फॉर ह्यूमन राइट्स, दे डू नॉट केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ नॉर्म्स, लॉज डेमोक्रेटिक नहीं हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और वायलेंट हैं। ये परसेप्शन जो है वो वॉर ऑन टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन स्टेट्स ने और उनके मीडिया ने प्रोपेगेट की पूरी दुनिया के अंदर। दिस एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसको अमेरिकन ही रिसर्चर्स ने एक्सेप्ट किया कि 9/11 के बाद वाकयात के बाद अमेरिका के अंदर खासकर और यूरोप के अंदर भी इन जनरली एक इस्लामिक फोबिक सेंटिमेंट्स बढ़े और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ वाकयात, मुसलमानों के खिलाफ तहसब और मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी और स्टेट्स के अंदर। और यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि मैं बार बार वेस्ट का जिक्र कर रहा हूँ, तो वेस्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वेस्ट एज अ होल, लेकिन नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी ग्रेजुअली इस्लामोफोबिया डेवलप होने शुरू हुआ। और उसकी बुनियादी एग्जाम्पल हम जब दे सकते हैं, एक प्राइमरी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो इंडिया की है। इंडिया के अंदर भी जो
कश्मीर के वाक़यात हैं, कश्मीर के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल थी, उसको इस्लामिक दहशतगर्दी के नाम से जोड़ा गया ताकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ और स्टेट की सिंपथी ली जा सके, और काफ़ी हद तक इंडिया इस मामले में कामयाब भी हुआ। सो ये वॉर ऑन टेररिज्म जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसको जनरलाइज़ करके परसेप्शन दी गई कि शायद सारे मुसलमान, शायद सारा इस्लाम ऐसा ही है, विच वॉज़ अ मिसपरसेप्शन। कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक एक और बड़ी वजह इस्लामोफोबिया की तब राइज़ होती है, एक और वजह यह है कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई 1991 में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ बिकेम मोर डेवलप्ड, मोर इंटीग्रेटेड, मोर डेवलप्ड, और जो एक दुनिया में परसेप्शन बनी दैट वेस्ट इज़ द मॉडल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ एंड द चैम्पियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। और हम देखते हैं साथ ही कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहे, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी और बैड गवर्नेंस ये चलता रहा। तो ग्लोबलाइजेशन भी इसी 1990s के बाद से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की पेस भी बढ़ना शुरू हुई। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ रहे हैं, मीडिया सामने आ रहा है, तो मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि इफ़ दे वांट टू हैव अ बेटर फ्यूचर, इफ़ दे वांट टू लिव अ बेटर इकोनॉमिक लाइफ एंड बेटर सिक्योरिटी, देन वेस्ट इज़ द डेस्टिनेशन। और माइग्रेशन शुरू हुई मुसलमान सोसाइटीज़ की, मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम स्टेट्स में से टूवर्ड्स द यूरोप एंड अमेरिका। सारी डेवलपिंग स्टेट से हुई, बट हम यहाँ पे चूंकि इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के जो मुल्क हैं वहाँ से माइग्रेशन शुरू हुई। मिडिल ईस्ट से लोग मूव किए, साउथ ईस्ट एशिया से मूव किए, अफ्रीका से मूव किए, साउथ एशिया से मूव किए, और उस माइग्रेशन की वजह से वेस्टर्न सोसाइटीज़ को पहली दफ़ा मुस्लिम कल्चर को विटनेस करने का मौका मिला। और उस कल्चरल जब एक्सचेंज हुआ, मुस्लिम कल्चर वेंट इनटू द वेस्ट, देन सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेस्ट एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ दे वर अनएबल टू रिकनसाइल देयर कल्चरल नॉर्म्स। और वेस्टर्न सोसाइटी को लगा कि ये जो मुसलमान माइग्रेंट हैं ये उनके कल्चर से हार्मनी नहीं रखते, उनका कल्चर को रेडिक्यूल किया गया और उनके कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव किया गया। ये एक बड़ी वजह बनी इस्लामोफोबिया के राइज होने की, और इसी को फिर एक्सप्लॉइट किया वहाँ के कुछ लीडर्स ने, जिसकी वजह से हम कहते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ वहाँ पे, राइज ऑफ पॉपुलिज्म डेवलप हुआ वेस्ट के अंदर, और उन कुछ अपोजिनस लीडर्स ने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया और इस्लामोफोबिया की वेव जो है वो ग्रो करना शुरू हुई वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कल्चर तो अपनी जगह पे एक फैक्टर मौजूद है, कल्चर का क्लैश तो मौजूद है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ थी वो हिस्टोरिकली, पर्टिकुलरली सिंस द लास्ट टू सेंचुरीज़, हैव बीन मूविंग टूवर्ड्स सेकुलरिज्म। सोसाइटीज़ भी स्टेट टू थी सेकुलर, सोसाइटीज़ भी सेकुलराइजेशन की तरफ मूव कर रही। हाउएवर फॉर सम स्कॉलर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन टू रिलीजन, दे बिलीव दैट देर इज़ अ ग्रेजुअल राइज ऑफ आर द रिवाइवल ऑफ रिलीजन इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़, particularly the revival of orthodox christianity। uski ek example dete hain, wo kehte hain american foreign policy mein religion ka role increasingly badhta ja raha hai। jaise mike pompeo ne kaha god has sent donald trump to protect jews, with a clear reference to role of christianity and christo judaism alliance jo hai wo hame nazar aata। so jab western societies ke andar revival of religion hota hai, तो ये जो इस्लामोफोबिया है, दिस इज़ नॉट कल्चरली कास्ट, दिस इज़ फॉर सम स्कॉलर्स अ मिक्सचर ऑफ कल्चर एंड द रिवाइवल ऑफ क्रिश्चियन वैल्यूज, एंड दैट एक्चुअली लिंक्स दिस डिबेट विद द क्रूसेड्स। और हम ये देखते हैं कि जब क्राइस्ट चर्च का जो शूटर था जिसने मुसलमानों को मस्जिद के ऊपर हमला करके मारा था, उसकी जो राइफ़ल के ऊपर रेफरेंसेस थे वो क्रूसेड्स का जिक्र भी मौजूद है, और वो हमें ये बात बताती है कि कल्चरल के अलावा वहाँ पे एक रिलीजन
का एलिमेंट जो है वो भी इस्लामोफोबिया को प्रमोट करता है. एंड लास्टली द मदर ऑफ ऑल दीज इश्यूज इज़ द रोल ऑफ वेस्टर्न मीडिया इन प्रमोटिंग इस्लामोफोबिया. वेस्टर्न मीडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग द डिफरेंट टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन अ वेरी बायस्ड वे, एंड दिस बायसनेस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलर्स. इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्चेस. मेहदी हसन फॉर एग्जाम्पल हैड गिवन सम डेटा ऑन दैट. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हैड प्रूवन सर्टन थिंग्स दैट द वेस्टर्न मीडिया इज मोर लाइकली टू गिव मोर कवरेज टू द टेररिस्ट इंसिडेंट्स कैरीड आउट बाई द मुस्लिम्स देन द टेररिस्ट अटैक्स कैरीड आउट बाई द नॉन मुस्लिम्स. ये मीडिया जो है दैट क्योंकि इट्स अ मास मीडिया, इट हैज़ अ मास अपील, एंड देयरफॉर इट्स रिपोर्टिंग बायस रिपोर्टिंग हैज़ आल्सो क्रिएटेड इस्लामोफोबिक सेंटीमेंट्स इन द वेस्टर्न सोसाइटीज. अब हम इस डिस्कशन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या एफर्ट्स की जा सकती हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू काउंटर द इस्लामोफोबिया इन द वेस्टर्न सोसाइटीज एंड स्टेट्स. तो सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया जा सकता है वो मुस्लिम स्टेट्स की एक कॉमन व्यू पॉइंट, एक कॉमन वॉइस जो है वो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. जब तक मुस्लिम स्टेट्स एक जॉइंटली कलेक्टिवली एफर्ट्स नहीं करेंगी तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर वेस्टर्न स्टेट्स को कन्विंस नहीं किया जा सकता अबाउट द थ्रेट पोज्ड बाय इस्लामोफोबिया इन द वेस्टर्न सोसाइटीज. Muslim states, I'm not suggesting that they should go and threaten the Western societies. What I'm suggesting is Muslim states needs to show solidarity and unity in the face of rising Islamophobia. And this Islamophobia is not against the Muslims of Arabs only. It is a Islamophobia against all of the Muslims. Therefore, the common united condemnation, united and collective diplomatic efforts by these states is the first thing that is needed to counter Islamophobia in the Western societies. Dusri bahut important step jo liye ja sakti hai wo hai the education of not the formal education but educating the Western societies and particularly the Muslims living in the Western societies about the need of and the importance of multiculturalism. Western societies jo historically multiculturalist rahi hain but thanks to the propaganda and thanks to the populism of the rise of populism in those societies they have fallen prey to the propaganda of certain opportunist political leaders like Emmanuel Macron, like Donald Trump, who blamed Muslims for their own governance failures. So Western societies need to be educated to the fact that Muslims may be different but not anti-West, at least not all of them. There are certain reports by the international media that every second terrorist attack in US was prevented by the tip off by the Muslims. And similarly, Muslim people need to be educated to this point that the Western societies have culture different than ours. And if they are different and we disagree with them, it does not necessarily warrant a violent response. So they have to accommodate, they have to accommodate, they have to live with a culture different than theirs if they want to live in Western societies. Just as we have said in the causes, कि एक बुनियादी वजह जो इस्लामोफोबिया की है वो वायलेंस है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम लाइक अलकायदा, लाइक दाइश. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ दैट मुस्लिम सोसाइटीज़ एंड स्टेट्स नीड टू डीरेडिकलाइज सम ऑफ दोज यूथ जो कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं और इस्लाम के नाम पर वायलेंस, unlawful violence, brutal violence karte. So de-radicalization of such youth and
imparting the true Islamic values of peace, of love, of harmony. This preaching, this education of the Muslim societies will help in a kind of weakening the terrorist organizations and their propaganda. And if terrorist organizations stop using the name of Islam in their terrorist acts, this is likely to weaken the propaganda by some of the elements in the West that it is Islam that is threat and not just the Muslims. So preaching Islam and preaching Islam through de-radicalization of our own societies is one of the major factors that can help in preventing Islamophobia. And lastly, but again, most importantly, role of media. Media, whether it's the media of the Muslim world or it's the Western media, needs to understand the role of media, which has to have an objective analysis, objective reporting of different issues. Stigmatizing a particular society does not resolve a problem. And the classical case in hand is that Charlie Hebdo in France was given this freedom to publish those caricatures in the name of freedom of expression. But in France, the French government refused to allow an article in November this month when the author tried to write an article countering Macron's statement that it is Islam that is in crisis. His argument was, it's French secularism that is in crisis. And his argument was, his article which was published by a website then, which clearly showed his theoretical and logical argument in which he proved that France, in order to protect secularism, has made secularism a new religion and a hotspot, a kind of force to stigmatize only Muslims, which is very much against the French values that the French president wants to protect. So what I'm saying is that the media needs to be objective. Media, Muslims media, the Western media needs to make sure that they do not target a particular community and single out a particular community when we know that it is not involved in any unlawful activity as a community. There are always certain individuals from Christians, from Muslims, from Jews, from Hindus, who are involved in acts of violence, and singling out Muslims only shows that they want to create a public hatred against Islam and Muslims. So in conclusion, we can say that Islamophobia is one of the most important challenges faced by not only Muslim societies, Muslim states, but it is also the most important challenge to the values of the West that they cherish. And this Islamophobia is not coincidental. This is very much deliberate. This is very much intentional by certain elements who do not want to see peace in the world. And as Muslims, it is our responsibility not to become the tools of such hawkish people who are present in our societies as well as in theirs. Thank you so much. Keep watching this program, Current Affairs, A Fortnightly Glance, and do see the one-liner that will be seen, that could be seen on the screen after I finish this one. Thank you so much. God bless you and be safe.